हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में मेरे एक व्यूअर ने मुझे पूछा। सो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से इसके बारे में बता सकता हूँ। सो ये टॉपिक उसी के बारे में है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का टॉपिक जो रहने वाला है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, हमारा फ्लैट किस तरह के कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है, मैं उसके बारे में ही आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेनली ये दो तरीके के कंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होता है। पहला है कन्वेंशनल वे ब्रिकवर्क का, और दूसरा जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कंक्रीट का बना होता है। पहला जो ब्रिकवर्क है, ब्रिकवर्क को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेड ब्रिकवर्क और एक होता है सी ब्लॉक का ब्रिकवर्क। रेड ब्रिक आपने जो है साइजेस में छोटे होते हैं, थोड़े आपने देखे होंगे। सी ब्लॉक जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, और उसमें कॉन्क्रीट से ही मतलब सी ब्लॉक, उसको सीमेंट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि उसमें सीमेंट का यूज़ होता है। ब्रिकवर्क मोर कन्वेंशनल वे है काम करने का, इसमें पिलर्स का यूज़ होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो अच्छी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस करना पॉसिबल हो पाता है। आपको इंटरनल कोई दीवार अगर हटानी है, तोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। आप उसमें चेंजेस ईजिली कर सकते हैं। रेड ब्रिक के साथ काम करना लेस एक्सपेंसिव है बिल्डर्स को, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर हमें ज़्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ता। कंपेरेटिवली पूरे कॉन्क्रीट का घर बनाने से सस्ता पड़ता है ये। मेनली बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो भी ये काम आसानी से कर लेते हैं। इस तरह के ब्रिक वर्क में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम टू टाइम इसमें से अगर पुट्टी निकल रही है तो पुट्टी लगानी पड़ती है, अगर दीवार में क्रैक आ गया है तो उसको भी हमें करेक्ट करना पड़ता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि दीवार पे किस तरह के क्रैक्स आए हुए हैं। अगर इनको टाइम टू टाइम न भरा जाए या इस पर पुट्टी न लगाई जाए तो यहाँ से ही लीकेज एंड सीपेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिलर के साथ काम करने की वजह से ही प्रॉपर्टी में डेड स्पेस भी क्रिएट होता है। डेड स्पेस हम उस स्पेस को प्रॉपर्टी में बोलते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो जनरली जहाँ पर भी पिलर वर्क होता है उसमें आपको दीवार से कम 3 से 4 इंच की जगह पिलर एक्स्ट्रा लेकर के निकला होता है। आपने पुराने घरों में ज़रूर देखा होगा, ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया में या फिर आपके जो है किचन या बेडरूम में कहीं भी अगर ये पिलर निकला हुआ है तो वहाँ पर आप बेड, टेबल या सोफ़ा वगैरह दीवार से चिपका के नहीं लगा सकते। तो उसके पीछे की जो जगह बच जाती है उसको हम डेड स्पेस कहते हैं, बिकॉज वो स्पेस किसी भी तरह से यूज़ नहीं हो सकता। ना दूसरी जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में यूज़ हो रही है वो रही कंक्रीट से बने हुए पूरे स्ट्रक्चर की। इसमें मेनली दो तरह के आते हैं, एक होता है प्रीकास्ट और एक अभी नया टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हुआ है वो है माइवन। सो प्रीकास्ट में क्या होता है, इससे जैसा कि इसमें नाम से ही है कि प्रीकास्ट पहले से ही बनाया हुआ। आपने ब्रिजेस बनते देखे होंगे या फिर मेट्रो के लाइनें जहाँ पर स्ट्रक्चर पहले से ही बना करके फिर बाद में वहाँ ले जा करके जोड़ दिया जाता है। सिमिलरली ये भी जो है स्ट्रक्चर पहले नीचे बना लिया जाता है और फिर क्रेन के सहायता से उठा करके ऊपर ले जा करके जोड़ दिया जाता है। इसमें भी अंदर आयरन रॉड्स होती हैं और बाहर से कॉन्क्रीट होती है जो कि एक सांचे में ही बनाया जाता है। बनने के बाद इसको ऊपर सिर्फ लगाया जाता है। माइवन इससे थोड़ा सा अलग है। माइवन में क्या होता है कि एक एल्युमिनियम की शीट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरह का सांचा होता है पूरे फ्लोर का, जिसमें हर फ्लैट की दीवार कहाँ पे ख़त्म हो रही है सब सारी चीज़ें रहती हैं। सो वो उसको पूरा ऊपर इंजीनियर ले जा करके पहले रॉड्स लगाते हैं जो कि आयरन रॉड्स, जो कि आपके स्ट्रक्चर को मजबूती देती है। उसके बाद उस सांचे को जगह पर ले जा करके टाइट किया जाता है, स्क्रूज के थ्रू उसको टाइट कर देते हैं। फिर लिक्विड कंक्रीट नीचे से ऊपर ले जा करके प्रेशराइज ढंग से भरी जाती है और उसको फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही वो सूख जाता है स्ट्रक्चर, देन उसी प्रोसेस को हम वो दोबारा ऊपर की ओर ले आते हैं। सो एक बार में कम से कम एक या दो फ्लोर वो बनाते जाते हैं। नो, माइवन टेक्नोलॉजी या प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत ही फास्ट हैं, बट इट इज़ एन एक्सपेंसिव, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रिक वर्क नहीं यूज़ हो रहा, पूरा पूरा कॉन्क्रीट यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। प्लस इनके जो कास्ट आते हैं, जिन मोल्ड्स होते हैं, ये इंडिया में अभी नहीं बनाए जाते, तो ये बाहर से मंगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका कॉस्टिंग और बढ़ जाता है। माइवन या प्रीकास्ट में गुड्स की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, बिकॉज ये एक तरह के मोल्ड में बनते हैं तो इसमें वेस्टेज भी कम होता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। माइवन और प्रीकास्ट दोनों में ही डेड स्पेस
नहीं निकलता। रीज़न बिंग इसमें कोई पिलर का यूज़ नहीं होता, पूरी स्ट्रक्चर ही पिलर के रूप में होती है, तो आपको डेड स्पेस नहीं निकलता, आपको एक कम कारपेट में भी ज़्यादा स्पेस मिलता है। इसमें जो बीच की दीवारें होती हैं वो भी पतली होती हैं, सो क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत हैं तो उतनी मोटी दीवारें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो पतली दीवारों के साथ भी स्ट्रक्चर खड़ा हो पाता है और आपको ज़्यादा स्पेस दे पाता है रहने के लिए, लिविंग स्पेस ज़्यादा मिल पाता है। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में कोई भी लीकेज, सीपेज या क्रैक्स का कोई चांसेस नहीं होता, बिकॉज ये पूरी कॉन्क्रीट से बनी हुई है, तो इनकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और इसमें कोई भी लीकेज सीपेज के चांसेस नहीं हैं। हाँ, इनमें अब दिक्कत क्या है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। जनरली जब कस्टमर या आप कोई इंक्वायरी करते हैं जिनको जोड़ी फ्लैट्स चाहिए या कुछ चीज़ें चेंज करके चाहिए, मुझे उनके डिज़ाइन में ये चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे ये हटा के चाहिए, तो ये चीज़ें जनरली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। अगर पॉसिबल होती भी हैं तो आपको पहले से ही आर्किटेक्ट या इंजीनियर को बताना पड़ता है और उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वंस द फ्लैट इज़ डिलीवर्ड टू यू, देन उसके बाद इसके अंदर चेंजेस करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर पूरे स्ट्रक्चर में से कुछ भी आपने चेंजेस करने के, कोई दीवार अगर गिराने की कोशिश किया तो पूरे स्ट्रक्चर को वो कमज़ोर कर सकती, इसलिए इस तरह के चेंजेस अलाउड नहीं करते हैं। छोटी सी चीज़ है, आपको प्रॉपर्टी में या फ्लैट में आने के बाद अगर घड़ी के लिए भी उसमें छेद करना है तो आप एक नॉर्मल हथौड़े या कील के साथ जो है माइवन या प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे ड्रिल का ही यूज़ करना, बिकॉज ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि आपकी नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे है वो उसके ऊपर काम नहीं करते, तो आपको ड्रिल के थ्रू ही काम करना पड़ता है। अब बात की जाए कि इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि ब्रिकवर्क और कॉन्क्रीट से बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं, कौन सा बेहतर है, तो देखिए हर किसी की अपनी खासियत है। ब्रिकवर्क लोगों को भी पसंद, अभी भी लोगों को ब्रिकवर्क पसंद आता है, उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है, उस तरह के स्ट्रक्चर में हम रहते आए हैं तो हमें उसके ऊपर बिलीव है। बट आज की नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये बिल्डर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें लीकेज सीपेज नहीं होता तो उनके ब्रांड वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, आगे चल के कोई शिकायत नहीं आती है, तो बिल्डर इसलिए इसको यूज़ करना पसंद करता है। सो जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ जो कन्वेंशनल वे में ब्रिक वर्क में बनी हैं और जो अभी कंक्रीट में बन रही हैं, दोनों की कुछ अपनी अपनी खासियतें हैं, कुछ अपनी अपनी खूबियां हैं। बट आने वाले समय में ज़्यादा अगर बिल्डर जो बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो माइवन ही यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज वो उनको काफ़ी अच्छा पड़ता है, कन्वेंशनल वे के से ज़्यादा फास्ट है, फ्यूचर में उनके ब्रांड के लिए अच्छा है, रीज़न बिंग उसमें कोई लीकेज सीपेज इस तरह कोई शिकायतें नहीं आती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, हम फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।